आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लंबे समय से एकता विहार में धरने पर बैठे कोरोना वॉरियर्स को कल खदेड़ने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात था और किस तरह से इन युवाओं को यहां से हटाने की कोशिश की गई, पहले इन वीडियोस को देखिए, फिर हम बातचीत करते हैं। आप हमारे लिखित में दे सकते हो तो दे दिया और हम अभी ले जा रहे हैं। अभी रिटर्न में दिलाते सर, अभी उठ जाएंगे हम, रिटर्न में दिला दो आप जितने लोग आए हो लिखित में दे सकते हो। ये जो वीडियो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इसी जगह की है। कल 15 अगस्त के दिन यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुँचा था। ये तमाम कोरोना वॉरियर हैं, अभी भी उनका धरना जारी है पीछे, और जो भूख हड़ताल पर हैं वो युवा अभी भी बैठे हुए हैं। क्या रहा कल यहाँ पर जब आपको यहाँ उठाने आई थी पुलिस? शासन प्रशासन बल दल के साथ यहाँ पर आया था और वो पिछली बार की तरह जैसे कि हमारे मातृशक्ति को घसीट के ले गए, उसी तरह से कल वो फिर से हमें इस तरह से घसीटने को आए थे। लेकिन कल हम भी अड़ गए उस चीज़ में कि जब तक हमारे लिए अच्छा प्रस्ताव और कोई अच्छी सूचना ना आए तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। इसमें हमारे साथ बेरोजगार संघ में बॉबी पवार भाई ने भी हमारा पूर्ण समर्थन दिया कि अब मैं भी पीछे नहीं हटूँगा, मैं भी इनका समर्थन करता हूँ, जिसके लिए हम कहते हैं हमारे हित में खड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भाई के लिए। और आज ये लड़ाई इस तरह से हो चुकी है, हम मजबूर हो चुके हैं, हम कहाँ नहीं भागे हैं, हर जगह भागे हैं, आज इस तरह से मजबूर हो चुके हैं। ये ऐसा है कि सरकार कह रही है कि तुम हम इसको ले जाते हैं दूसरे को बिठा दें, यहाँ पर ऐसे यही चीज़ करने आए हम, मतलब आमरण अनशन ही करते रहेंगे। इससे बढ़िया सरकार ये नहीं सोच रही कि हम इनका प्रस्ताव स्वीकार करके इनको हटा दें यहाँ से, ख़त्म कहानी, मतलब हम यहाँ बैठे थोड़ी रहेंगे, आप हमें नौकरी का प्रस्ताव दिए हम अपने अपने जगह चले जाएंगे। हम ये एकता विहार धरना स्थल में मरने नहीं आए हैं, हमें अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, रोजी रोटी मिल जाएगी हम वापस चले जाएंगे, हाथ जोड़ के जाएंगे। सरकार को समझना चाहिए, सरकार इस चीज़ को समझ ही नहीं रही है। हमारा मजाक बना के रखा है सरकार ने एक बार कि आज नहीं दूसरा बैठा दो, इन्हें उठा के दूसरा बैठा दो। ये हमारा प्रशासन कह रहा है, हमें प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम धरना तोड़ो बल। अरे तुम उन तक सूचना पहुँचाओ कि वो डिमांड ये कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा प्रस्ताव उनकी कागजी कार्य में क्या है, अगर वो लिखित में हमें दे दें कि तुम्हारी अक्टूबर 1 तारीख से ज्वाइनिंग होंगे, हम कल ही उठ के चले जाएंगे यहाँ से, हम क्यों रहेंगे यहाँ पे, हमें तो लिखित में चाहिए ना। क्या कल पुलिस ने यहाँ कहा था जिस समय आई थी, क्या कहकर आपको हटने को कहा गया? यही कहा गया था कि उनकी तबीयत सीरियस है, उठ जाओ। हमने कहा जब मंत्री साहब अपने कहा था जो पहले आए थे कि अब आपकी मंडे के दिन बात कराई जाएगी, तो आप क्यों नहीं करा रहे हो फिर उसको आप टाल रहे हो, फिर कह रहे हैं कि 17 तारीख में आपकी बात होगी। बस यही है कि हमें तारीख पर तारीख मिल रही कि अभी नहीं, आपका बाद में होगा। हम जैसे कहते हैं कि 15 तारीख को सब, जैसे कि हम 15 तारीख को क्या कल 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त को हम देश आज़ाद हुआ था, मगर फिर हम भी उत्तराखंड के अभी तक आज़ाद नहीं हुए, हम धरना स्थल पर बैठे हैं, देख सकते हो आप। चलिए आज़ादी का जश्न भी यहाँ मना, आप आइए ज़रा आगे। क्या करेंगे अभी आप, क्योंकि पहले भी 2 लोग बैठे थे महिलाएँ, उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर अभी 2 लोग और बैठ गए हैं, ये लड़ाई कब तक जारी रहने वाली है? ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। और मुझे कल जब शासन प्रशासन अभी पिछले दो दिन पहले भी आया था, जो पहले हमारे मातृशक्ति बैठी थी उनके उसमें भी आया था अनशन तुड़वाने के लिए, उस समय हमें लगा चलो आज लेके घसीट के लेके, मगर जब कल आए तो कल हमने उन पूरी मुस्तैदी से आए वो लोग, और बल क्या वो उन पर हाथ में लठियाँ भी पकड़ के लाए थे कि अगर कोई ऐसा वो होता है। उसके बाद डीएम साहब ने दोबारा मेडिकल टीम बुलाई और उनका कुछ वो नेगेटिव आ गया, तो इसलिए डीएम साहब चले गए दोबारा वापस। मैं तहसीलदार साहब, मुझे ये कहना है कि या तो अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहा या मंत्री अधिकारी नहीं सुन रहा, सबसे बड़ी बात यह है। अगर उनकी थोड़ी सी भी कोऑर्डिनेशन होती, थोड़ी आपस में बात होती, तो इसका आज समाधान होता। या उनको फ़ोन करने से वो डर रहे हैं या इनको फ़ोन करने से वो डर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी बस नौकरी बचानी है अपनी और हमारा दायित्व तो बनता है आपकी जान बचाना, और जान हम भी नहीं चाह रहे कि किसी की जान जाए, मगर क्या हुआ हमें इस कंडीशन में ला के सरकार ने आज खड़ा कर दिया है कि हम अब ना तो हम इधर के रहे ना उधर के, हम बीच मझधार में ऐसे फंसे हुए हैं, ना हम इसे छोड़ सकते हैं ना हम इसे पकड़ सकते, वो वाली बात हो गई है। तो मेरे उनसे गुजारिश है कि शासन प्रशासन में भी जो भी बैठा जिसकी जिम्मेदारी है और मंत्री जो बैठा है उसका इस चीज बात का संज्ञान लें और जल्द से जल्द हमारे इसका निर्णय निकाले, और जो भी समाधान निकलता है हम उस, अगर वो समाधान हमारे पक्ष में होगा तो हम उसके लिए तैयार है, और हम जाने के लिए हमें शौक थोड़ी यहाँ बैठने का, हम अपने बच्चों के पास अपनी माँ के पास अपने घरों में रहेंगे, हमें थोड़ी ना इस जंगल में आप रात या नीचे सो रहे हैं, जंगल है कई चीजें हैं या सांप है कई चीजें हैं। तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि जल्द से जल्द
हमारे पक्ष में निर्णय हो, और निर्णय तो होना ही है। अगर सरकार नहीं मानती हमारे पास बहुत हथकंडे हैं, हम वो अपनाएंगे। हमने तो ये भी कहा है कि हम अपनी जान की बाजी लगा रखे हैं, तो हम ये तय है कि लगनी है, मगर हम जीत के हम जरूर जाएंगे। ये सरकार ये ना सोचे कि हम पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं हटने वाले। अगर आ रखे हम तो हम ये नौकरी पा के जाएंगे। तो मेरे दोबारा भी मैंने आज मैं हर न्यूज़ चैनल पर यही बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना जो आपका धर्म है उसको निभाइए। जिसका भी अधिकारी भी इतना नहीं, इसमें सब इन्वॉल्व हैं, अधिकारी का काम है, इसमें सीढ़ी वाइज काम है। इसमें यही नहीं कि मंत्री जी बोल देंगे कल रात को कि सबको रख दो, तो उसमें अधिकारी काम करेगा, पेपर वर्क अधिकारी करेगा, मंत्री नहीं करेगा। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि हमारी पीड़ा को सुनिए और जल्द से जल्द हमारा समाधान निकालिए। चलिए समाधान कीजिए, ये समायोजन की मांग लगातार कर रहे हैं। अभी आप देखिए वहाँ पर मेडिकल टीम भी आई हुई है, जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। कल यहीं पर भारी पुलिस बल यहाँ भेजा गया था ताकि इन्हें यहाँ से हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो तमाम जो युवा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, वो डटे रहे और वो अब धरना छोड़ने को तैयार नहीं है। कोरोना वॉरियर्स का यही कहना है कि सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन उनकी मांग है कि समायोजन होना चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए। विपरीत हालात में उन्होंने काम किया है, ऐसे में इस वक्त अब सरकार को जब उनकी मदद की आवश्यकता है, तब अगर सरकार यहाँ पुलिस बल भेजकर उनको यहाँ से हटाने की कोशिश करेगी तो इससे कोरोना वॉरियर्स टूटने वाले नहीं हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर्त, जय भारत टीवी।